बेबी आज लंच में ना कुछ कमाल का बना दो। वही सेम चीजें खा खा के ना बोर हो गई हूँ मैं। हाँ ठीक है तो बताओ क्या खाने। कुछ स्वादिष्ट, रमणीय, रुचिकर। जी कौन सी सब्जियां हैं जीजी? सब्जियां नहीं है बेबी, मतलब कुछ टेस्टी, धमाकेदार, एक्साइटिंग बनाओ। अरे बाजी जी, तुम्हें तो हिंदी के खूब बड़े बड़े शब्द मालूम है। थैंक्स बेबी। अब क्या ही बताऊं तुम्हें, स्कूल में हिंदी की टॉपर थी मैं। भले ही आजकल अधिकतर अंग्रेजी में वार्तालाप करती हूँ, किंतु हिंदी भाषा के प्रति रुचि अभी भी उतनी ही है। बा जी बा। ठीक है ठीक है, अब जाओ जाकर कुछ टेस्टी से बना दो। हाँ जी जी। वैसे जीत जी, तुम और हम ना एक जैसे हैं, एकदम समान हैं। अच्छा, तुम भी बहुत अच्छी हिंदी बोलती हो। नहीं जीत जी, हम भी टॉपर हैं। अरे पर तुम तो कह रही थी कि तुमने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की है। पढ़ाई नहीं जीत जी, खाना बना दे मैं। हम तो पूरी बिल्डिंग में एकदम टॉप को खाना बनाते हैं। अरे हमारे हाथ से तो लोग सादा पानी पीकर भी बावा कराते हैं। और तुम्हें तो मालूम ही है, खाना बनाना एक कला होता है और हमारे अंदर जो कला कूट कूट के भरी है। हमारे हाथन में ना वो जादू है, वो जादू है, वो जादू है जो कोनों के हाथ में नहीं। करेक्ट। अब उसी कलिनरी आर्ट का जलवा दिखाने को कह रही हूँ, जा। कौन को जलवा? कलिनरी आर्ट मतलब पकवान कला। पकवान कला नहीं, पाक कला। पाक उर्दू वर्ड है, विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम पाकीज़ा। पाक ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वर्ड पकवान। पाक इज कलिनरी एंड पकवान इज अ डिश। कुछ भी मत बोलो, हिंदी की टॉपर थी मैं, तुम हिंदी में मुझसे नहीं जीत सकते। अच्छा मान लिया मैं तुमसे हिंदी में जीत नहीं सकता हूँ, लेकिन हो सकता है कि तुम मुझसे हार जाओ। एक बार ट्राई कर। पॉइंट ऑफ व्यू को हिंदी में क्या कहते हैं? पॉइंट मतलब बिंदु, व्यू मतलब देखना। सो पॉइंट ऑफ व्यू इज बिंदु को देखना। सोच रही हूँ ना, मैं बता रही हूँ ना, जस्ट गिव मी अ सेकंड। पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टिकोण। दृष्टिकोण, जस्ट बोलने वाली थी मैं, याद था मुझे। ओके तो बोलो, कहीं नहीं याद था पर याद नहीं आया। चलो ठीक है, एक बार और ट्राई करते हैं। कमिटमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? वचनबद्ध। वेरी क्लोज मीरा, लेकिन वचनबद्ध होता है कमिटेड और कमिटमेंट होता है प्रतिबद्धता। वाह भैया वाह, तुम तो टॉपर से भी टॉप निकले। ये चांस की बात है, ओके? जस्ट बिकॉज तुम्हें दो तीन वर्ड्स मुझसे ज्यादा पता है, उसका मतलब ये नहीं कि तुम हिंदी में बेटर हो। और वैसे भी वोकैबुलरी और वर्ड पावर में बहुत डिफरेंस है। मे बी योर वर्ड पावर इज बेटर देन मी, बट आई एम बेटर एट वोकैबुलरी। ओके वोकैबुलरी, वर्ड पावर, कृपया आप हिंदी में समझाने का कष्ट करेंगी? अवश्य। वोकैबुलरी मतलब तुम कितने वर्ड्स जानते हो, एंड वर्ड पावर मतलब उनमें से कितने वर्ड्स बात करते वक्त एक्चुअली तुम यूज कर पाते हो। एंड एज आई सेड, वर्ड पावर में भी तुम्हारा बेटर है, बट वोकैबुलरी में यू कांट बीट मी। चलो ठीक है, एक सिंपल सा देता हूँ। हेलीकॉप्टर को क्या कहते हैं? विमान। दैट्स अ प्लेन। हवाई जहाज। दैट्स एन एयरक्राफ्ट। भैया भैया हम बताएं, हेलीकॉप्टर कहते हैं? करेक्ट, सही जवाब। वाह बेबी, तुम तो टॉपर के टॉप से भी टॉप निकली। अरे कहाँ जा रही हो? अच्छा एक 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 और, ट्रक को कहते हैं? I don't know. मीरा, अच्छा तुम बताओ। हमें नहीं मालूम भैया, तुम आओ खेलो, तुम खेलो, हमें बहुत काम पड़े। अरे जीजी, खाने में कहाँ बने जे तो डिश कैश भाव ही नहीं। डिस्कस तो हुआ लेकिन डिसाइड नहीं हुआ, बना लो जो तुम्हारा मन करे। क्या होगा जीजी? कुछ नहीं।
चीची इतने बुरा नहीं मानो, भैया तो मजाक कर रहे थे। मजाक नहीं कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। अरे चीची तुम इतने बुरा काहे मान रही, रोहिणी चीची और ऋषि भैया कहते तो रोज को है कछु ना कछु चलत रहते। एक काम कर रहे थे, तुम आओ मूड अच्छा करवे के लाने, हम कछु नहीं बनाओ। मतलब तुम आज खाने नहीं बनाओगी? हाँ चीची, ऐसा कछु भी कभी होते ना तो रोहिणी चीची हमसे कहते खाना नहीं बनाओ, आई वॉन्ट कॉम्फर्ट फूड, तो तुम्हारे लाने भी मंगा लेते हैं। वो तुम बर्गर पिज्जा बिरयानी कछु मंगा लो, अच्छा लगे मन को। नो थैंक यू बेबी, मैं ठीक हूँ, मुझे ये सब कचरा नहीं खाना, जाओ जाकर रोटी सब्जी बनाओ। और जहाँ तक बात रही भैया की, तो मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। आई एम अ बॉर्न विनर, आई एम अ फाइटर। फाइट तुम भैया मारो। अरे नहीं बेबी, मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। पत्थर जिंजी, पत्थर से तो सर पुट जाए भैया को। अरे बेबी ईंट का ईंट से भी होता है कहीं लगा था। जिंजी शांत हो जाओ तुम। अरे यार बेबी तुम जाओ ना, जाओ जाकर खाना बनाओ, जाओ। हाँ पति पत्नी के बीच को रिश्ता कितने अजीब होता है ना। कितनी गहरी बात कहती बेबी। एक पल में प्यार और एक पल में नफरत। नफरत तो नहीं बट ऊंच नीच तो चलती रहती है हस्बैंड वाइफ में। और ऊंच नीच के बीच में होता है समुंदर। नहीं बीच में समुंदर नहीं होता, बीच पे तो रेत होती है। हाँ जी, रेत को समुंदर और रेत की कण-कण के बीच में छुपे कड़वे गमले। गमले? यू मीन जुमले? हाँ बोल। क्या बात है बेबी, गमलों की गहराई में घुसती चली जा रही हो तुम। जेपी से कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है क्या? हम आओ नहीं जिज्जी, मीरा जिज्जी को। मीरा का झगड़ा हुआ जेपी से? कब, क्यों, कैसे? जेपी के साथ नहीं जिज्जी, अभी मन्नू भैया के साथ। ओ हमें तो डर लग रहा हो जिज्जी, अभी मन्नू भैया को कहूँ सर वरना फोड़ दे मीरा जिज्जी। सर क्यों फोड़ देगी, क्रिमिनल माइंड थोड़ी है। तुम मीरा बेबी कुछ भी बोलती हो, कितना एग्जैजरेट करती हो। हम नहीं कह रहे जिज्जी, मीरा जिज्जी ने खुद ही अपने मुंह से कही हमसे। क्या? कि अभी मन्नू का सर ईटा नहीं तो पत्थर से फोड़ेंगे। हमने तो बहुत ही समझाई, मैं नहीं समझी। क्या बात कर रही हो? बात तो तुम करो जिज्जी, कहीं ऐसा ना हो कि पति पत्नी की ऊंच नीच के बीच में अभी मन्नू भैया जमीन की गहराई में चले जाए। और जाना तो जिज्जी बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होती, एकदम शांत होती, तूफान से पहले कुछ सन्नाट हो ना वैसे। पूरी बात बताओ क्या हुआ? मीरा हाय। अरे आओ आओ, हाउ आर यू? हाउ आर यू? आई एम ओके। आर यू रियली? या मुझे क्या हुआ है? बेबी ने मुझे सब कुछ बता दिया। बेबी ने क्या? आई नो उसे ऐसे इधर की बात उधर नहीं करनी चाहिए, बट अब इसके लिए उस पर हाथ मत उठाना। इतना गुस्सा भी ठीक नहीं है मीरा, उसने मुझे इसीलिए बताया ना कि उसे लगा तुम्हें इस वक्त एक फ्रेंड की जरूरत है। मैं बेबी पर हाथ क्यों उठाऊंगी? नहीं लेकिन किसी और पर उठाना चाहती हो? आई एम थॉरली कंफ्यूज्ड। लिसन मीरा, हम सब की लाइफ में कभी ना कभी एम्बेरसिंग मोमेंट्स आते हैं। आई नो अभिमन्यु ने तुम्हें बहुत जलील किया, तुम्हारी खिल्ली उड़ाई, तुम्हें बेइज्जत किया, तुम्हें नीचा दिखाया, बट आई डोंट थिंक ही रियली मेंट इट लाइक दैट। जलील, खिल्ली, नीचा, व्हाट आर यू सेइंग? लिसन अभिमन्यु तुमसे बहुत प्यार करता है, वो हिंदी को लेके जो कुछ भी हुआ तुम उसे माफ कर दो। माफ इतनी जल्दी और इतनी आसानी से तो नहीं कर पाऊंगी मैं उसे, उसने जो किया है ना, ही विल हैव टू पे फॉर इट। और मैं उस पर तब अटैक करूंगी जब वो बिल्कुल ही नियत्ता होगा। आई विल अटैक हिम व्हेन ही इज लीस्ट एक्सपेक्टिंग इट। आई प्रॉमिस यू ऐसा इंपैक्ट होगा ना दैट ही विल बी शॉक्ड टू हिज कोर। काय भैया अपने ही घर में जासूसी कर रहे? अरे नहीं मैं अंदर जा रहा था, मुझे कुछ याद आया तो अब मैं बाहर जा रहा हूँ। मीरा जस्ट लिसन टू योरसेल्फ, तुम क्राइम शोज ज्यादा देख रही हो क्या आजकल? वायलेंस इज नॉट द सॉल्यूशन, ये क्राइम शोज है ना दिमाग पर बुरा असर होता है। टेल मी कौन से हस्बैंड वाइफ है जिनके बीच में झगड़े नहीं होते? पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अटैक वटैक कर
कर दो यार। आई एम टेलिंग यू, तुमने एक बार अभिमन्यु को मारा तो समझ लेना ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म है। अपने होने वाले बच्चे के बारे में तो सोचो। रोहिणी स्टॉप, आई एम नॉट प्रेग्नेंट। या बट यू विल बी। क्राइम शोज तुम आजकल ज्यादा देख रही हो क्या? हाँ मैं तो देखती हूँ। इसीलिए योर इमेजिनेशन इज रनिंग वाइल्ड। अभी ने जो किया है उसे उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। बट आई विल बीट हिम एट हिज ओन गेम, नॉट फिजिकली असॉल्ट हिम। उसने मेरे साथ मजाक किया है ना, तो मैं भी उसके साथ मजाक ही करूंगी। मजाक के बदले मजाक, टिट फॉर टैट। हाँ, मुझे यही लगा। मैं बेबी को यही बोल रही थी। बेबी भी ना पता नहीं बात को कहाँ से कहाँ ले जाती है। एनीवे सो एवरीथिंग्स ओके, तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो मुझे बोलना। ओके श्योर, बाय बाय। बेबी, अरे रोहिणी तुम? हाय, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम यहाँ कैसे? मैं बस मीरा से मिलने आई थी, अभी मैं जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, वो अपसेट है इसलिए ना? अरे सुबह बात हुई थी ना, वो मैंने उसकी हिंदी को लेकर थोड़ा मजाक उड़ा दिया था। इतनी सी बात के लिए कौन अपसेट होता है? Not at all. रोहिणी, I know she is upset. अंदर कुछ बदला लेने की बात हो रही थी ना, तुम बता सकती हो मुझे क्या कह रही थी मेरा? तुम कुछ भी बोल रहे हो यार, वो ये तुम दोनों की आपस की बात है और ये हम दोनों फ्रेंड्स के आपस की बात है। माय लिप्स आर सील्ड। रोहिणी, तुम मेरी भी फ्रेंड हो और ये मत भूलो कि मीरा तुम्हारी फ्रेंड इसलिए है क्योंकि ऋषि मेरा फ्रेंड है। दैट इज द ओरिजिनल कनेक्शन, प्लीज डोंट फॉरगेट दैट। यार बट अभी मैं मीरा से पहले मिली ना, तो अभी मैं उसकी साइड हो गई हूँ बाय डिफॉल्ट। इसका मतलब कुछ तो बात है। नहीं कुछ भी बात नहीं है। ओके, एज माय सेकंड फ्रेंड आई कैन टेल यू कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो कदम फूंक फूंक के रखती। अरे तुम गई नहीं अभी? हाँ मैं बस जा ही रही थी, वो जहान मुझे बुला रहे हैं। हटो ना। आई बेटा। हाँ आई आई। जान की आवाज हमारे घर तक आ रही है? मदर्स इंस्टिंक्ट में भी। आप